चावल ही नहीं भिगाई रसोड़े में कौन था? कोकिला ब्रेन। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मैं हूँ ज़रीन खान। और क्योंकि आप लोगों को मम्मी की गुलाब जामुन की रेसिपी इतनी ज्यादा अच्छी लगी तो ऑन पब्लिक डिमांड हियर इज मॉमीज बटर चिकन रेसिपी आप सभी के लिए। मैं आज बटर चिकन बना रही हूँ अपने तरीके से। ये मैंने चिकन है उसमें मैं ऐसे कट लगाई हूँ सब चिकन में। ये ड्रम स्टिक है 1.5 किलो, ये 14 पीस है। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं इसमें भी दही डाल रही हूँ। 4 चम्मच मैंने दही डाल, ये जीरा पाउडर है जो मैं 1 चम्मच डालूंगी। ये तीखा लाल है जो थोड़ी तीखी मिर्ची है, ये 3 चम्मच डालूंगी भर के। ये गरम मसाला है मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, 1/2 चम्मच। ये धनिया की बुटकी है, धनिया पाउडर मैं 1 चम्मच डालूंगी। ये रेड कलर है जो मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी, फूड कलर। अभी मैं ये 2 मैजिक मसाला डालूंगी। इसमें नमक होता है, मैं नमक नहीं डालूंगी। और अब मैं इसको सबको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है और जो मैंने कट दिखाई थी वो इसलिए लगाना है क्योंकि अंदर तक मसाला लग जाए। दूसरा भी मैं 1/2 घंटा हो गया चिकन मैरिनेट करके, मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैंने 1/2 घंटा ही करी, नहीं तो 1 घंटा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं अगर 1/2 घंटे में भी करे तो। ऑलराइट, अभी मैं इसको तंदूर करने रख रही हूँ। अभी ये प्लेट को मैंने थोड़ा तेल लगाई, अब मैं इसके अंदर चिकन रखूंगी। ये 1 दम पे मैंने 7 पीस रख दी। अच्छा, अभी मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। तेल के अलावा बटर घी ये सब भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन तेल डालेंगे तो ज्यादा अच्छा क्योंकि इसमें घी में और बटर में ही पके गए तो इसलिए इतना जरूर। तो जितना ज्यादा बटर घी उतना ज्यादा अच्छा है। ये मेरा ओवन है, स्मार्ट ओवन है, इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट प्री हीट, मतलब प्री हीट करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही बनता है। अच्छा, तो अभी मैं इसमें ये रख दूंगी। माइक्रोवेव प्लस ग्रिल में बटन दबाऊंगी। अभी ये 600 हो गया है, अब मैं इसको 14 मिनट रखूंगी। 14 मिनट में हो जाता है एक साइड से? अच्छा, 14 मिनट एक साइड रखूंगी, फिर 5 मिनट पलटी करके दूसरी साइड रखूंगी। अभी जब तक ये तंदूर हो रहा है तब तक हम लोग दूसरा प्रेपरेशन करेंगे। ओके, ये 35 काजू है जिसको मैं अभी बीच में से कट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी अंदर से काजू खराब होते हैं। जो मैंने गुलाब जामुन के वीडियो में बताई थी कि अंदर से कभी कभी काजू खराब निकलते हैं, इसको 2 टुकड़ा करूंगी। अभी मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए भिगा के रखूंगी, कम से कम 15 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पीस जाता है, नरम होगा तो अच्छे से पीसेगा। ओके, अभी ये 6 कांदे है मैं इसको कट करूंगी और ये जड़ इसका ऐसे निकालना चाहिए, उसके साथ नहीं पकाना है। अभी छोटे कांदे करके मैंने 6 लिए, अगर बड़े लिए तो 4 बस हो गए। ओके, अभी मैं ये खोल रही हूँ, मैंने खोली। अभी ये मेरा एक साइड से अच्छे से पक गया है। ऐसा वाटरी क्यों हो गया? वो
दही की वजह से थोड़ा पानी छूट जाता है। अच्छा, तो ये पानी निकाल देना है। जो भी पानी छूटा था एक्स्ट्रा, मैंने वो सब निकाल दिया। अब मैं इसको पलटी करूंगी। थोड़ा मसाला ऊपर से लगाऊंगी। अब इस सब पे मैंने मसाला और लगा दिया हूँ। मैं अभी इस पे और थोड़ा सा तेल डालूंगी सब पे। क्यों? अच्छा होगा। तेल इसलिए डालते हैं कि नीचे नहीं चिपके? नहीं नहीं, थोड़ा क्रिस्पी होता है तेल से। हाँ, अभी मैंने रख दी वापस। अभी मैं इसको वापस से ये माइक्रो ग्रिल, ये मैंने दबाई। अभी मैं इसको वापस से 5 मिनट रखूंगी। मेरा चिकन दोनों साइड से तंदूर हो गया है। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। okay. ये मेरा चिकन तंदूरी तैयार है। नाइस। ये मेरा चिकन तंदूरी हो गया है। मैंने अभी ओवन से निकाली हूँ। ये बहुत गर्म है। इसको हम लोग थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि हम लोग आसानी से हड्डी से चिकन अलग कर सकें। ठीक है, ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर, पंखे के नीचे। अभी कांदे को मैं बारीक पीसने वाली हूँ। अभी मैंने गैस चालू करी। अभी मैं इसमें घी डालूंगी। गैस लो फ्लेम है, हाई फ्लेम? हाई फ्लेम। अब मैं इसमें कांदा मैंने पीसी थी जो बारीक, अभी मैं इसमें डालूंगी। कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छा लाल करना है। जब लाल होगा तो फिर मैं बताऊंगी। काजू भिगाई थी, 20 मिनट हो गए काजू को। अभी मैं इसको इसमें डालूंगी मिक्सर में। ये काजू थोड़ा ही पीसे नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा मसाले। ये 3 चम्मच भर के मिर्ची की बुक्की, 1 चम्मच धनिया की बुक्की, धनिया नहीं जीरे की बुक्की, 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के धनिया की बुक्की, और एकदम थोड़ा सा 1/2 चम्मच इतना गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला हम लोग ज्यादा नहीं पसंद करते। बट आपने ऑलरेडी ये सारे मसाले तो चिकन में डाल दिए थे मैरिनेट करने वक्त, तो फिर अभी कैशू में क्यों? इसलिए कि वो बटर चिकन में मसाले डालने पड़ेंगे ना, वो तो हम लोगों ने तंदूर किए हैं। अच्छा, अभी ये बटर चिकन के मसाले हैं। ये मसाले हम लोग ऐसे ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन वो काजू का में अकेले पीसे नहीं जाएगा वो। अच्छा, इसलिए मसाले डालने पड़ते। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि अगर ज्यादा डालूंगी तो बहुत पतला होगा तो पीसे नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। अब मैं इसको पीस रही हूँ। पीस गया? नहीं, अभी इसमें मैं और थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखो कैसे हो गया, इसमें भी पानी की और जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा पानी। मसाला काजू और जो मसाले सूखे मसाले डाली थी वो पूरा पीस के बारीक एकदम टेस्ट हो गया। वाह, कौन बोलेगा ये काजू था एक टाइम पे। रसोड़े में कौन था? कुकीला बहन। तो मैं मम्मी को हेल्प करूं। ये तो पिता के नीचे लाल हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये करने आता है किचन में, जो के है चम्मच घुमाना। तो मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ ये कांदा ब्राउन करने में। एंड दिस कांदा इज स्मेलिंग रियली नाइस। मैं
कुकिंग वाज दिस इजी। ऐसे ऐसे से चम्मच घुमाओ और खाना पक गया। इसको कंटिन्यू फैलाते ही रहो कि ऐसे छोड़ दो। अरे 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 ऐसा नहीं कर, नहीं कर रहता है। इसको भी इसमें डाल दूं, चम्मच को इसमें रखूं? हाँ। But the smell is really nice. What do I do about my nose that keeps smelling things? मम्मी ने मेरे हाथों से ये भी चार्ज ले लिया है। तो ये अभी तक सिर्फ घी और कांदा है। हाँ, ये अभी तक ब्राउन ही हो रहा है। अगर वो ब्राउन होएगा ना, कांदे की स्मेल बहुत अच्छी आएगी। अभी भी आई रही अच्छी। अगर वो कांदा कच्चा रहेगा तो स्मेल अच्छी रहेगी। अभी मेरा कांदा लाल हो गया है, देखने दो। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके। अभी एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला। उससे ज्यादा नहीं डालेंगे ना, जैसे अदरक लहसुन की स्मेल आएगी। इसको अच्छे से मिक्स करने का है ना? हाँ, अच्छे से मिक्स करने का है। थोड़ा इसको भूनना पड़ेगा इसके साथ। मैं इसको 5 मिनट भूनी हूँ। अभी ये काजू वाला जो मसाला है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ओके। गैस मैंने एकदम स्लो कर दी हूँ। अभी अभी मैंने इसमें थोड़ा मसाला डाल के भून रही हूँ। अभी ये मसाले में हम लोग थोड़ा पानी डाल के डालेंगे। अभी ये मैंने पानी डाली हूँ मसाले में। अभी मैं इसमें छोड़ रही हूँ पानी। कितना पानी है अप्रोक्सीमेटली? ये समझो आधा ग्लास से थोड़ा कम। तो अभी आपके पैन में है ब्राउन किया हुआ कांदा, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो काजू का जो आपने पूरा पेस्ट बनाए थे। हाँ, वो विद सम वाटर। हाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी स्लो फ्लेम पे। हाँ। अगर फास्ट करूंगी तो फिर वो उड़ेगा। ये मैंने कम से कम ये मसाला 20 मिनट भूनी हूँ स्लो गैस पे। अभी मैं इसमें डालूंगी ये 3 पैकेट मैजिक मसाला। ओके। मैं नमक नहीं डालूंगी इसमें। मैजिक मसाला में नमक रहता है और फिर मैं बाद में ऊपर से बटर भी डालने वाली हूँ, इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी, मैजिक मसाला डाल रही हूँ मैं। ये थोड़ा भुनेगा जब तक हम लोग वहाँ पर मेथी थोड़ा भून लेते हैं। मेथी? कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी है, इसमें से ये मैंने उसका कचरा निकाली हूँ। ये मैं इसका कचरा नहीं डालती हूँ, जो इसकी डंडियाँ है ना वो मैंने निकाल दी हूँ, नहीं तो फिर वो खाने में मुँह में आती है, इसलिए मैंने वो निकाल दी हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा भूनूंगी ऐसी गैस पे, कुछ तेल नहीं, नहीं सूखा भूनूंगी, थोड़ा भूनूंगी इसको ताकि वो आराम से क्रश हो जाए। मेरे लोग इसको अच्छा भूनेंगे। कितने अच्छे से क्रश हो रहा है, आवाज आ रही है? ये भी क्रश हो गया। नाइस। अभी इसमें मैं छोड़ दूंगी। मैंने तो बटर चिकन में भी मेथी दिया था। ये 2 टेबल स्पून मेथी है, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी 2 टेबल स्पून। अभी ये मेरे चिकन है तंदूरी, जो मैंने हड्डी में से इसको अलग कर दी, लेकिन इसको ऐसे थोड़े बड़े बड़े पीस रखना है, बहुत छोटे छोटे नहीं, ऐसे बड़े बड़े रखना है। अभी मैं इसमें छोड़ देती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, जो मैं बोल फूड कलर में भूल गई थी डालने के लिए, वो थोड़ा सा डालूंगी। मिक्स मिक्स मिक्स। अभी ये मैं जो चिकन का जो निकला था ना
तंदूरी चिकन का जो ग्रेवी वो भी डाल दूंगी इसमें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि तंदूरी चिकन का ग्रेवी है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ जो बटर चिकन में बहुत जरूरी चीज है। गैस बंद कर दिए। हाँ, गैस बंद कर दी। अभी मैं इसमें थोड़ा ओवन में पके गए। पूरा इस पे नहीं पकता है? पूरा इस पे पकता है, लेकिन मैं ओवन में बनाती हूँ। मस्का डालने के बाद में जो मस्का ओवन में छूटता है ना, वो ऐसा इसमें इतना अच्छे से नहीं छूटता है, इसलिए मैं इसको ओवन में अभी थोड़ा पकाऊंगी। अगर जिसके पास ओवन नहीं है वो स्लो गैस पे पका सकते हैं। ये 100 ग्राम मस्का है, अभी मैं इसको इसके ऊपर काट के डालूंगी पूरा 100 ग्राम। हाँ, अभी मैं इसको ढक्कन लगा के ओवन में रखती हूँ। ओवन में इसको फ्राई। अभी ये जो खाना गरम करने का होता है ना, वो 5 मिनट रखूंगी। 5 मिनट गरम होएगा, मस्का मेल्ट हो जाएगा। लास्ट में उसमें आएगी बारीक कटी हुई कोथमीर। अभी ओवन में 5 मिनट हो गया, अभी मैं इसको ओवन को खोल रही हूँ। मजेदार लग रहा है। तो दैट लुक ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन मम्मीज फेस। अभी मैं इसमें कोथमीर डालूंगी, बारीक कटी हुई कोथमीर। मैंने इसमें कोथमीर डाली हूँ, ये 2 मिनट और ओवन में बनेगा। दो मिनट इसको और गर्म करेंगे ओवन में। ये मेरा बटर चिकन रेडी। ऐसा बटर चिकन बना के खा के देखना, कभी खाए नहीं रहेंगे ऐसा बटर चिकन। वाह, क्या बात है। यम्मी। अभी मेरा बटर चिकन रेडी हो गया है, अभी मैं राइस बनाऊंगी। ये 1.5 गिलास चावल है, आधा पौना घंटा भिगा के रखी थी। ओके, अभी मैं इसको भगा दूंगी। इसको बनेगा जीरा राइस। ये मैंने घी डाली 2 चम्मच। अभी इसमें मैं 2 चम्मच जीरा डालूंगी भर के। ये जीरा को थोड़ा पकना चाहिए। अभी जीरा थोड़ा चटक रहा है तो मैंने इसमें कांदा भी डाल दिया। वाह वाह, क्या आवाज आ रही है। ये कांदा पकेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं पकाने का। अब ये हो गया, ये मैंने चावल में डाल दी। मिक्स करने का इसको चावल में, कैसे ऊपर ही रहने देना है। मिक्स कितना तकलीफ का काम है यार खाना बनाना। ये इसमें जाएगा नमक। नमक अपने हिसाब से डालने का, कितना नमक डालने का। अभी ये बिना ढक्कन के रखूंगी ओवन में। अभी ओवन में मैं रखूंगी ये, माइक्रो दबाऊंगी। ये हो गए 900 पे। अभी मैं इसको 12 मिनट पकाऊंगी। 900 टेम्परेचर, मेरे को तो समझ में आता नहीं क्या है।
ये 12 मिनट अभी पकेगा, फिर ढक्कन ढक के 5 मिनट। अभी मैं ये खोल रही हूँ, चावल 12 मिनट पक चुके हैं। अभी मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी, कच्चे ही लग रहा है। अच्छा, ढक्कन बंद करके भी 5 मिनट पकेगा ना, ये पानी है वो भी सूख जाएगा। अभी ये वापस से माइक्रो 900 और ये भी 5 मिनट और पकेगा, 5 मिनट में पक जाएगा। ओके, टोटल 17 मिनट। अभी ये मेरा चावल बन गया है, 5 मिनट और मैंने रखी थी। बिस्मिल्ला, ये है सिया राइस, वेरी नाइस। राइस और ये मेरा बटर चिकन। दैट इज द लुक ऑफ सैटिस्फैक्शन। टाइम फॉर टेस्टिंग। और आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि मम्मी का बटर चिकन इज माय फेवरेट। आई नो मैं हर बारी मम्मी के खाने के बारे में ये बोलती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे मेरी मम्मी का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और वेल, मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो मैं अभी ठीक से बात कर भी नहीं पा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिलिश माई फूड। हम सब अभी खाना खाएंगे और आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि आपका बटर चिकन कैसे बना। सो इफ यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो, यू नो वॉट टू डू, वॉट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं, वो नाना बोलेंगे। नाना बोलो, सब सब्सक्राइब उधर बोलो, सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।